हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सुपर टेट 2022 के लिए। यहाँ पे हमारा जो क्लासेस चल रहा था इन्वायरमेंट का, उसमें हम पढ़ रहे थे विश्व के महाद्वीप, और हम पढ़ रहे हैं अब लास्ट हमारा महाद्वीप चल रहा है एशिया महाद्वीप। ये हमारा लास्ट महाद्वीप है। इसके अलावा मैंने सारे महाद्वीपों के बारे में बता दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। लास्ट हमारा यहाँ पे महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। भाग एक है। और पूरी वीडियो अगर देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। और डेली बेसिस पर अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखनी है, सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करनी है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है एशिया से यूरोप को अलग करने वाले मुख्य क्षेत्र। आपको पता है कि ये आपका एशिया महाद्वीप है, इधर ये स्थल क्षेत्र से यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है जो यूरोप से एशिया को अलग करता है? तो आपको जब मैं यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहा था तब पर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, उसमें से ये इन नामों में से कोई ना कोई एक नाम आपको देखने को मिलेगा। या फिर वहाँ पे तीन ऑप्शन यहाँ पे के दे देंगे और एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो यूरोप को एशिया से अलग नहीं करता, वो आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। यूराल पर्वत आपको मैंने बताया था रूस में है, जो दूसरा है यूराल नदी, यूराल पर्वत से यूराल नदी निकलती है आपका, ये रूस का जो यूरोप का क्षेत्र है उसमें है। कैस्पियन सागर, काकसस पर्वत बताया था मैंने आप लोगों को, जिसका सबसे ऊंचा पर्वत है पर्वत श्रेणी है माउंट एल्ब्रुस, वो आपका रूस में है। काला सागर और भूमध्य सागर, ये याद रखिएगा छह नाम, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकसस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर। ये हो गया आपका यूरोप से एशिया को अलग करने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें एशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, तो पहले पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके मानचित्र पे चलेंगे एशिया महाद्वीप के। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आप लोगों को बताया, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो दोनों आधार पे एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे, तो बस याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की नदी घाटियों की सभ्यताओं को, यहाँ पे जो नदी घाटियाँ थी एशिया की, उसको सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। सारी सभ्यताएँ, लगभग सारी सभ्यताएँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, जो ज़्यादातर सभ्यताएँ हैं जो नदी, वो आपकी एशिया में ही पाई जाती हैं, जिसलिए सभ्यताओं का पालना इसको कहा जाता है, जो एशिया की नदी घाटियाँ हैं। ठीक, इसके बाद बात की जाए तो एशिया को सभी धर्मों की जन्म स्थली भी कहा जाता है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुख्य रूप से जो भी धर्म है वो ज़्यादातर धर्म यहीं से एशिया से ही पैदा हुए हैं। अगला पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एशिया शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। आपसे पूछ सकता है कि एशिया शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिब्रू भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य, हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है उगता हुआ सूर्य। ठीक, और आपको पता है कि सबसे पूरब में एशिया महाद्वीप है, तो सबसे पहले सूर्य एशिया महाद्वीप में ही उगता है। और आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप का जो एक देश है जापान, उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एशिया में कुल देशों की बात की जाए अगर, तो 48 कंट्रीज़ हैं, 48 देश हैं टोटल। आपसे पूछ सकता है कि एशिया में कितने देश हैं, तो 48 कंट्रीज़ हैं, यानी कि 48 देश हैं टोटल। स्थिति के अनुसार यहाँ पे जो एशिया को इतना बड़ा है कि स्थिति के अनुसार यहाँ पे कई भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से मुख्य भाग हैं इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं, एशिया के भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पश्चिमी एशिया, उसके बाद मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट इसको कहते हैं, पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब दक्षिणी एशिया में यहाँ पे सार कंट्रीज आती हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका भारत इसी में है। दक्षिणी एशिया में सार कंट्री यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो मुख्यालय है, सार के मुख्यालय के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो काठमांडू नेपाल में है। इसको याद रखिएगा, 8 देश हैं इसमें टोटल, इसको दिखा देंगे हम कभी जब पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो
अब आते हैं हम भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं, भौगोलिक स्थिति कैसा है एशिया महाद्वीप का। सबसे पहले मानचित्र देख लेते हैं, यहाँ पे हम काफ़ी लंबा चौड़ा फैला हुआ मानचित्र है आपका, जो दक्षिणी एशिया का भाग है ये वाला भाग है, ये वाला भाग चाइना से लेते हुए भारत, श्रीलंका, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे आपका मालदीव है उसको भी लेते हुए नेपाल, यहाँ पे आपका पता है आपको, ये सारे जो देश हैं वो दक्षिणी एशिया के महाद्वीप के देश हैं। और आपका जो दक्षिण पूर्वी था ये वाला एरिया है पूरा, जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, ये सब जो देश आते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मानचित्र दिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पे सबसे पहले जल संधियों के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में, जल संधियाँ कौन कौन से मुख्य हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, किन किन देशों के बीच में हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका ईरान के बीच में, यहाँ पे जल संधि है आप देखेंगे ईरान और ओमान के बीच में, ये आपका देश है ओमान, ठीक है, ये वाला जो देश है पूरा ये ओमान का है और ये आपको ईरान देखने को मिलेगा। इसके बीच में यहाँ पे जल संधि है जो कि किस नाम से जानी जाती है, हार्मुज जल संधि के नाम से। इसके बाद दूसरी जो जल संधि है यहाँ पे आप देखेंगे तो यमन है, ओमान के बगल में ये वाला क्षेत्र यमन का है, ये आपका एरिया पूरा अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है, ये आपका मैंने बताया था अफ्रीका का हॉर्न जो मैंने बताया था आप लोगों को। यहाँ पे एक कंट्री है जिबूती, जब अफ्रीका महाद्वीप मैंने बताया था आप लोगों को तब मैंने आप लोगों को बताया हुआ था जिबूती के बारे में, उस समय मैंने आपको यमन के बारे में भी बताया था क्योंकि वहाँ पे भी मैंने बाब उल मेंडाब जो जल संधि है इसके बारे में बताया हुआ था। तो यहाँ पे यमन और जिबूती देश है अफ्रीका का, उसके बीच में एक यहाँ पे जल संधि है, इसको कहते हैं बाब उल मेंडाब जल संधि, जिसको आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा बाब उल मेंडाब जल संधि को। उसके बाद थर्ड यहाँ पे अगर बात करें तो भारत है, ये आपका श्रीलंका है जो कि अभी काफ़ी त्रासदी से गुजर रहा है, वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं खाने पीने के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, वहाँ पे इमरजेंसी लागू किया गया है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे एक जल संधि है, इसको कहते हैं पाक जल संधि, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में है लेकिन नाम उसका है पाक जल संधि। अब इससे पाकिस्तान नहीं आता यहाँ पे, इससे ये मत समझिएगा, पाक मतलब शुद्ध, एकदम प्योर एक कह सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में याद रखिएगा पाक जल संधि है। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ, यहाँ पे देखेंगे आपका जो ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये वाला ये द्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप, ये आपके कौन से किसके द्वीप हैं, इंडोनेशिया के, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं लेकिन ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और ये आपका मलेशिया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के बीच में यहाँ पे है मलक्का जल संधि, विश्व की सबसे लंबी जल संधि अगर आपसे पूछता है कि कौन सी है तो मलक्का जल संधि है, याद रखिएगा किसके किसके बीच में है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है, विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, ये याद रखिएगा। और एक जल संधि और है इंडोनेशिया के द्वीपों के बीच में ही, एक आपका जो सुमात्रा द्वीप था इसके बीच में और एक इंडोनेशिया का जावा द्वीप है इसके बीच में, यहाँ पे देखेंगे एक जल संधि है, इसको कहते हैं सुंडा जल संधि। तो ये मुख्य मुख्य जल संधियाँ हैं एशिया महाद्वीप में। अब इन्हीं सब जल संधियों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। ईरान और ओमान के बीच में हार्मुज जल संधि, यमन और जिबूती जो कि अफ्रीका का देश है उसके बीच में बाब उल मेंडाब जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में आपको याद हो गया होगा पाक जल संधि है, मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में मलक्का जल संधि है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि है, आपको मैंने बताया सुंडा जल संधि। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका जल संधि भी मैंने बता दिया, एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा थोड़ा बारीकी से मैंने एक एक चीज़ बता दिया है आप लोगों को। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है कि रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, नीचे लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम का, या फिर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट अबाउट अस में जाएंगे वहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलता हूँ वीडियो से रिलेटेड और भी कंटेंट, जैसे यहाँ पे मैंने सार्क के बारे में बताया तो ऐसे ही हर वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं वो मैं बताता रहता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और ऐसे ही सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप लोग
रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।